देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स बी मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर सेपरेटली द प्रोडक्ट सो ऑब्टेंड आर 247 एंड 114 द सम ऑफ द नंबर्स इज। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमें अभी नहीं पता है कौन से नंबर से, लेकिन हमारे पास दो नंबर से उनका अगर हम समेशन कर देंगे, उनको अगर दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, और जो बचे हुए नंबर्स हैं एक्स और वाई जो हमने नंबर सिलेक्ट किए हैं, अगर उनमें सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? वो नंबर्स हमें क्या देंगे मल्टीप्लाई करने पे? 247 और 114 देंगे। क्या देंगे? 247 और 114 देंगे हम लोगों को। ठीक, तो हमसे बोला गया कि उनका सम कितना होगा। ठीक, दो नंबर्स मान लो, दोनों को ऐड कर दो, फिर जो ऐड किया ना हमने, मान लो x और y मान लिया, अगर x प्लस y मान लिया हमने तो ये हो गया समेशन। अगर x प्लस y में एक बार हम x का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 247, और x प्लस y में y का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 114। यही तो बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स भी मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर सेपरेटली। पहले x प्लस y जो कि क्या है, समेशन है दोनों नंबर्स का, उसे मल्टीप्लाई करें x में तो हमें देगा 247, y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 114। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम, लेट द नंबर्स को एज्यूम कर लो, लेट द नंबर्स बी, क्या मान लो नंबर्स को, एक नंबर मान लो x, दूसरा नंबर मान लो y, x और y दो क्या नंबर्स हैं। अगली बात, उनका सम क्या होगा, सम ऑफ दी नंबर्स, उन नंबर्स का सम के बारे में बात की जा रही है। ठीक, कितना हो जाएगा, क्या ये x प्लस वाई हो जाएगा सम? बिल्कुल, हमने निकाल लिया x प्लस वाई जो कि क्या है, सम है। द सम ऑफ टू नंबर्स भी मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर सेपरेटली, जो सम है वो क्या होगा, एक बार x में मल्टीप्लाई होगा, सेपरेटली मतलब अलग अलग, एक बार x में और एक बार y में मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा ना, एक बार आएगा 247 और दूसरी बार आएगा 114। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? द सम ऑफ टू नंबर्स बी मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर सेपरेटली, सम ऑफ टू नंबर्स बी मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर, हर एक नंबर में अलग अलग मल्टीप्लाई करना है सेपरेटली। तो पहले हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर अगली बार y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो 247 और 114 आएगा, 114 आएगा। तो हमसे बोला गया है कि द सम ऑफ नंबर्स बी, नंबर्स का समेशन कितना आएगा। हमसे पूछा है x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई कितना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, ये जो पहला नंबर लिखा है ना हम लोगों के पास, पहला इक्वेशन लिखा है, ठीक, इसे क्या करेंगे, इसे इक्वेशन वन मान लो और इसे मान लो इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। ठीक, बात क्लियर? अब क्या करो, इसे सॉल्व करो आगे। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा, 247। ठीक, यहां से करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 114। क्लियर? अब दोनों को देखो, एक्स स्क्वायर यहां है, वहां वाई स्क्वायर है, यहां एक्स वाई है, वहां एक्स वाई है, तो क्या हम दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन वन इक्वेशन टू को, तो क्या हमारे पास एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है क्या, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, एड वन एंड टू, एड इक्वेशन वन एंड टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 247 प्लस 114। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर वो डिफरेंस पूछता ना हमसे, क्या पूछ लेता, डिफरेंस पूछ लेता तो कैसे कर लेते, डिफरेंस पूछता तो हम लोग क्या करते, माइनस, तो एक्स और वाई कैंसल आउट होता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता। वहां क्या छुपा है, एक्स माइनस वाई जो कि निकालना है, लेकिन एक्स प्लस वाई भी तो छुपा है वहां पे,
एक्स प्लस वाई भी तो पता करना है क्या है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा ऐड करके। इस स्टेप पे तो हमें जाना है, चाहे x प्लस वाई पूछा जाए या फिर x माइनस वाई। क्या इसे हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, बोल सकते हैं क्या? क्या मतलब है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 4, कितना हो जाएगा 11, ठीक, ये कितना हो जाएगा 381 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 381, क्लियर, ठीक, ये बनेगा 19 का स्क्वायर, क्लियर। किसका बनेगा 8 है, ये 6 है, 47 प्लस 14 कितना होगा 47 प्लस 114 कितना होगा 361, होगा नहीं होगा 361, ये 361 है, क्लियर। ये 19 का स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, ये 19 का स्क्वायर बन सकता है, ठीक। इसे क्या लिख देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, इसे क्या लिख देंगे 19 का स्क्वायर, यहां पे लिख देंगे अंडर रूट 361, क्लियर। तो यहां से क्या निकल के आता है, x प्लस वाई की जो वैल्यू है ना, इन दोनों को ऐड किया 361, जो कि किसका स्क्वायर है 19 का, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई, आ गई नहीं आ गई 19 ही तो आंसर है, x प्लस वाई की वैल्यू 19 निकल के आ गई, समय तो पूछा था हमने, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें कि हम किस टाइप से x प्लस वाई बना सकते हैं, जब स्क्वायर कर देंगे तब भी तो x प्लस वाई बन सकता है, वो क्या होगा 361, 19 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 19, तो 19 क्या है हम लोगों का आंसर, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अ नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 18 एंड अनदर नंबर बाय 21, ठीक, एक नेचुरल नंबर है उसका हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 18 में, अगली बार मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, और क्या करेंगे, दोनों के जो प्रोडक्ट आएगा ना, जो नेचुरल नंबर और 18 है उसका प्रोडक्ट करो एक बार, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, जो रिजल्ट आएगा उसे रखो, अगली बार जो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करो 21 से उसे अलग रखो, फिर क्या करो ऐड कर दो एंड एडेड द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट आएंगे ना नेचुरल नंबर और इन दोनों नंबर के उसे रखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम, मतलब इन चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हमें दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बाद ऐड करने पे रिजल्ट दे दे, ठीक, समझते हैं क्या बोल रहा है वो, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, लेट द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन सा मान लिया हमने, मान लिया n, लेट द नेचुरल नंबर बी n, n क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक। जब हम नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो कुछ रिजल्ट आएगा, जब हम नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में तब भी कुछ रिजल्ट आएगा, जब हम दोनों के रिजल्ट को ऐड कर दें या सम अप कर दें तो इन चारों में से ऐसी कौन सी जो सम है वो बनने की चांसेस है, जो बन पाएगा, जो कि क्या बन पाएगा, ठीक। एक बार क्या हमने क्या किया, एक बार हमने मल्टीप्लाई किया उस नेचुरल नंबर n का, उस नेचुरल नंबर n का मल्टीप्लाई किया 18 में, एक बार मल्टीप्लाई किया हमने 21 में, मान लो मल्टीप्लाई करने पे a आया हम लोगों के पास, यहां मल्टीप्लाई करने पे b आया, बात क्लियर, मल्टीप्लाई करने पे a और b रिजल्ट आते हैं, मल्टीप्लाई किया फिर एंड एडेड द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट किया ना हमने, ये प्रोडक्ट है, क्या करना है ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसे ऐड करना है, तो हमें बताना है कि कौन सा नंबर बन सकता है, ए मतलब n इंटू 18 प्लस बी मतलब n इंटू 21, एन कॉमन निकाला तो कितना हो गया 18 प्लस 21 हो जाएगा, क्या ये n इंटू 39 हो जाएगा,
क्या n into 39 हो जाएगा? तो which of the following could be the sum? Could be the sum. ठीक, तो उन दोनों का जो एडिशन होगा ना, एडिशन यही तो है, सम मतलब एडिशन. तो ये जो 39n लिखा है ना, इनमें से 39, कहने का यही मतलब है कि 39 का मल्टीपल इनमें से कौन सा है. पहले है ऐड किया था, ऐड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, एडिशन था, मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, उसे मल्टीप्लीकेशन बना दिया. तो कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि हमें ऐसा नंबर बताइए इन चारों में से जो कि 39 का मल्टीपल हो, जो कि 39 का क्या हो, मल्टीपल हो. क्लियर है बात? क्वेश्चन बोल रहा था कि एक नेचुरल नंबर है उसको 18 से मल्टीप्लाई करो. हाँ भैया कर दिया, रिजल्ट आया ए. उसी नेचुरल नंबर को 21 से मल्टीप्लाई करो, वो भी कर दिया, 21 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, बी. अब क्या बोला, एंड एडेड द प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट आए ना, प्रोडक्ट इनको ऐड कर दो, ऐड कर दिया, एन कॉमन निकाला 39n. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम, मतलब इसका जो रिजल्ट है ना वो इन चारों में से कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है. कहने का मतलब है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, 39 का मल्टीपल या फिर 39 से कंप्लीटली डिविजिबल. ऐसा कौन सा नंबर है जो 39 से कंप्लीटली डिविजिबल है, कौन सा नंबर है, क्या 202 है? अब क्या डिवाइड करके देखेंगे क्या? नहीं. अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर होता है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, हमारे पास कोई को प्राइम नंबर्स होते हैं किसी भी नंबर के, जैसे ये कितना है, तो इसे इसके ऐसे फैक्टर्स करो 3 और 9, 3 और 13. क्या हम 3 into 13 लिख सकते हैं कैसे? तो 13, 39 के मल्टीपल है, मतलब क्या होंगे, 3 और 13 के भी मल्टीपल होंगे, होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे 3 और 13 के, मतलब 3 एक फैक्टर होगा, वो नंबर 39 से डिविजिबल तभी होगा जब वो डिविजिबल होगा 3 और 9 से, 3 और 13 से. क्लियर है बात? 3 और 13 से भी होना चाहिए डिविजिबल. 13 से सॉल्व नहीं करेंगे हम, 3 से ही चेक कर लेना, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं. समेशन क्या आ रहा है, 4, कैंसल. क्या ये नंबर 6+2 कितना आ रहा, समेशन 8. क्या ये वाला नंबर 2008, 2+8 कितना होगा, 10. क्या 2007 का समेशन 9 आता है, बिल्कुल आता है, और 9 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर 9 3 क्या है उसका फैक्टर है. तो यहां क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो आंसर रहेगा ना, आंसर वो 2007 है. देख लेते हैं, 39 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 2007, किससे, 39 से. कितना टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, 9 5 45, 4 5 3 15 195. कितना बचा, 57. कितना बचा ये, 57. क्लियर, 2007, 39 5 5 45 95. कितना बचा, 57. ठीक, कितना हो जाएगा ये 139, कितना बचा 18, कितना बचा 18. क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 18 एंड अनदर नंबर 21 एंड एडेड द प्रोडक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम. ठीक, हमारे पास दो नेचुरल नंबर गिवन है, चाहे हम वो नेचुरल नंबर कुछ भी मान ले, दो नेचुरल नंबर क्या है हम लोगों के पास, गिवन है. ठीक, अगर हम क्या करें कि नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 18 में, ठीक, ये जो नेचुरल नंबर, ये सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है. ठीक, हम लोग अलग अलग लेके चलेंगे, वर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे. क्लियर, अ नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 18 एंड अनदर नंबर 21, मतलब हमारे पास दो अलग अलग नंबर्स हैं, अगर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, एक नंबर को 18 में और दूसरे नंबर को 21 में और ऐड कर दिया जाए, तो हमें बताना है कि जो रिजल्ट आएगा ना, जो सम आएगा, वो इन चारों नंबर्स में से कौन सा हो सकता है. ठीक, कौन सा पॉसिबल है. क्लियर, हम लोग क्या कर देंगे, लेट द नेचुरल नंबर्स बी, दोनों के लिए अलग अलग मान लेते हैं. ठीक, अगर सेम हो गया तो दोनों की वैल्यू सेम रख देंगे. क्लियर, लेट द नेचुरल नंबर्स, जो हमने नेचुरल नंबर मानने हैं वो कौन से हैं,
एक्स एंड वाई, ठीक, एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर है। अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर दें किसमें, 18 में, तो कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई वाई में भी कर सकते हैं, एक्स और वाई क्या नेचुरल नंबर्स ही हैं। एंड 21 का फिर वाई में कर दो, अगर 18 का वाई में करते तो 21 का एक्स में कर देते। अब क्या बोला है, ऐड कर दो एंड एडेड द प्रोडक्ट्स, ये दोनों के प्रोडक्ट हैं, ये भी प्रोडक्ट है, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 18x प्लस 21y, ठीक। तो हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम, मतलब ये जो सम है ना, ये सम जो है इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सी हो सकती है, ठीक, क्लियर है बात। क्या करेंगे, क्या यहां से एक चीज कॉमन दिख रही है क्या, 3 को कॉमन निकालो, 6x प्लस 7y, ठीक। अगर 3 कॉमन निकल गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सम है ना, ये जो सम है, ये 110% श्योरिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये जो सम है वो किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। किस चीज का, 3 का मल्टीपल होगा। अगर ये दोनों नेचुरल नंबर हमने अलग भी ले लिए ना, तो भी वो क्या होगा, वो 3 का मल्टीपल है, चाहे x और y की वैल्यू सेम हो या अलग हो। सबसे वर्स्ट कंडीशन लेके चलेंगे, लेकिन वर्स्ट कंडीशन और सबसे इजी कंडीशन में भी ये जो सम रहेगा ये किसका मल्टीपल रहेगा, 3 का, क्योंकि 3 का क्या है, ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 उसका क्या होगा, जो सम आएगा उसका क्या होगा, 3 एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, 6x प्लस 7y। लेकिन हमारे पास x और y की कंफर्म वैल्यू नहीं पता है, कंफर्म वैल्यू नहीं पता है, तो हम 3 से सॉल्व करेंगे, 3 को लेके चलेंगे, मतलब जो सम आएगा ना वो क्या होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा, या फिर जो हमारा सम रहेगा उसका फैक्टर कौन सा रहेगा, एक 3, मतलब वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। क्या 2002 कंप्लीटली डिविजिबल है क्या 3 से, नहीं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या 2002 में 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, क्या ये डिविजिबल है 3 से, नहीं। 2 प्लस 6 डिविजिबल है 3 से, नहीं, 8 हो जाएगा। क्या 2 प्लस 8 10 डिविजिबल है 3 से, नहीं। क्या 2 प्लस 7 हाँ 9 डिविजिबल बाय 3। तो द होल नंबर 2007 इज डिविजिबल बाय 3, क्लियर है। तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या आ गया, ऐसा नंबर आ गया, ऐसा सम आ गया जो कि क्या है, 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 उसका फैक्टर होगा, क्लियर है बात यहां तक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूसेस 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। किसी भी एक एग्जामिनेशन में क्या होता है, मान लो वो जेई मेंस की एग्जाम हो, ठीक, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करता है तो उसे मार्क्स मिलते हैं 4, अगर वही क्वेश्चन अगर वो गलत कर देना तो उसे -1 मार्क मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक नंबर उसका कट हो जाएगा। अगर उसने क्या किया है कि 75 क्वेश्चंस दिए हुए थे, 75 के 75 अटेम्प्ट कर मारे, ठीक, इतना कॉन्फिडेंस था, उसने क्या किया कि जितने क्वेश्चंस थे ना 75 सारे के सारे अटेम्प्ट कर लिए, ठीक। अब उसे ये नहीं पता है कि उसने तुक्के लगाए, उसने गलत किए सही किए, लेकिन हाँ उसने 75 क्वेश्चंस टोटल क्वेश्चंस जितने थे उतने सारे के सारे क्या किए, अटेम्प्ट कर लिए। लेकिन जब उसके मार्क्स आए ना, जब उसके मार्क्स आए तो क्या हुआ, उसके 125 मार्क्स थे, कितने, 125 मार्क्स थे। तो हमें क्या बताना है, हमसे पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्टली, मतलब उसने ऐसे कौन से क्वेश्चंस किए हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसने क्या किए हैं, करेक्ट किए हैं, जो उसने सही किए हैं, क्लियर। कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमारे पास उस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 75 क्वेश्चंस हैं, उसने सारे के सारे अटेम्प्ट किए हैं, तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, या तो क्वेश्चंस राइट होंगे या फिर रॉन्ग होंगे, इसके अलावा पॉसिबिलिटी है क्या कुछ, बिल्कुल नहीं। या तो क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा या फिर गलत होगा। तो जो 75 क्वेश्चंस है ना, वो सबसे पहले काम करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द करेक्ट आंसर्स
जो आंसर उसने करेक्ट किए हैं वो कितने हैं, आर मान लेते हैं, मतलब जो राइट आंसर्स हैं जो उसने सही किए हैं, ठीक, क्लियर। एंड जो उसने गलत किए हैं, जो आंसर उसने गलत किए हैं उसे मान लेते हैं W, मतलब रॉन्ग। क्या मान लेते हैं? W मान लेते हैं। R मतलब राइट आंसर, वो जो क्वेश्चन किया है ना उसका आंसर उसने सही दिया है। W मतलब वो क्वेश्चन जिसका उसने आंसर क्या दिया है, गलत। तो क्या राइट आंसर्स प्लस रॉन्ग आंसर्स ही क्या होंगे, 75, ठीक, क्या होंगे ये क्वेश्चंस है, ये मार्क्स नहीं है, ये क्या है, क्वेश्चंस। ये जो आर लिखे हैं ना, ये टोटल नंबर ऑफ राइट को आंसर्स है और ये है टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ठीक, टोटल नंबर ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर्स ये टोटल है, ठीक है, क्लियर, ये टोटल आंसर्स है। अब आर प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 75। या तो क्वेश्चन सही होगा तो सही होगा, तो आर क्वेश्चंस क्या है, सही है, और W क्वेश्चंस क्या है, गलत, पर टोटल क्वेश्चंस होंगे 75, पहली इक्वेशन, ठीक, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, 75 होंगे, सारे के सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन मार्क्स कितने हैं, 125, मतलब जो क्वेश्चंस उसने राइट किए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्ट इस आर एंड द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड इस W, ये टोटल नंबर्स है, ठीक। अब क्या बोला है कि अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है तो उसे दिए जाते हैं 4 पॉइंट, 4 मार्क्स। अगर वो क्या करता है, अगर वो एक क्वेश्चन सही करता है, एक राइट क्वेश्चन करता है राइट आंसर, तो उसे मिलते हैं 4 मार्क्स, क्लियर। लेकिन अगर वो एक रॉन्ग आंसर कर देता है ना, गलत कर देता है, तो उसे मिलता है -1 मार्क्स, या फिर बोल दें कि 1 मार्क उसका क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है, जितने नंबर स्कोर किए हैं उसमें से डिडक्ट हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज आर, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज डब्ल्यू, ठीक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उसके जो टोटल मार्क्स है ना, टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, 125। ये जो टोटल मार्क्स हैं, ये जो 125 तो टोटल मार्क्स है ना उसके, ये मार्क्स वाली, ये कौन सी इक्वेशन थी, क्वेश्चन वाली इक्वेशन, कि राइट क्वेश्चंस प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहां पे क्या है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या होंगे, ये राइट आंसर इनटू 4, क्योंकि अगर एक राइट आंसर किया तो उसे नंबर मिलेगा 4, एक अगर राइट आंसर किया ना तो उसे नंबर मिलेगा 4, तो मान लो उसने आर राइट आंसर्स किए तो उसे नंबर मिलेंगे आर इंटू 4 प्लस, अगर उसने एक रॉन्ग आंसर किया ना तो उसे मिलेगा -1, एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 मिलता है उसे, तो W आंसर्स के लिए कितना, W आंसर रॉन्ग के लिए उसे -1 इंटू W नहीं होगा, ठीक, क्वेश्चंस इंटू मार्क्स अवॉर्डेड, क्वेश्चन इंटू मार्क्स अवॉर्डेड इज इक्वल टू टोटल मार्क्स। क्या यहां से एक इक्वेशन बन के आती है, 125 इज इक्वल टू 4R, ये माइनस यहां जाएगा तो -W, ये इक्वेशन आती है सेकंड नंबर 2 की इक्वेशन। क्या हम नंबर 1, हमें क्या चाहिए, करेक्टली कितने मार्क्स उसने क्या किए हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, तो क्या 1 और 2 को ऐड कर दें, यहां प्लस W दिख रहा है, -W दिख रहा है, 1 प्लस 2 कर दें अगर, तो क्या होगा, इक्वेशन 1, आर प्लस डब्ल्यू पहली इक्वेशन से प्लस 4R-W इक्वेशन नंबर 2 से किसके इक्वल होंगी, 75 प्लस 125, कितना हो जाएगा ये, 75 प्लस 125, 200, ठीक। यहां से क्या देख पा रहे हैं कि W और W कैंसल, क्लियर, कितना आ जाएगा, 5R इज इक्वल टू 200। तो यहां से जो R की वैल्यू आएगी ना, R बोले तो क्या है, R वो क्वेश्चंस हैं जो कि करेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्टली, R वो नंबर्स हैं, क्लियर। फिर से देखते हैं एक बार, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक स्टूडेंट है किसी एग्जामिनेशन में बैठता है, एग्जाम देने जाता है, ठीक, अगर वो किसी क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करता है
तो उसे मार्क्स दिए जाते हैं 4। अगर वो गलत अटेम्प्ट करता है तो उससे एक मार्क्स क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है, या फिर उससे क्या किया जाता है, -1 मार्क्स ऐड कर दिए जाते हैं उस चीज में। बेसिकली वो क्या होगा, डिडक्टिव होगा, एक मार्क माइनस कर दिया उसका। ठीक, अगर हमसे बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 75 है उस एग्जामिनेशन में, जो पेपर लिखने दिया है उसे, वो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 75। उसने क्या किया, उसने टोटल 75 के 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, क्लियर। लेकिन उसके पास जो मार्क्स आए ना, रिजल्ट आने के बाद उसके जो मार्क्स आए वो आए 125 मार्क्स। हमें बताना है कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्टली, मतलब उसने ऐसे कितने क्वेश्चंस किए हैं जो कि क्या हो, उसने राइट आंसर्स किए हो। ठीक, क्या किया हमने, हमारे पास दो इक्वेशन बन के आती है, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, दो चीजें गिवन है, क्वेश्चंस एंड मार्क्स। क्वेश्चन यहां पे गिवन है 75, मार्क्स यहां पे गिवन है 125, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 75। ठीक, उसने पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर लिए। ठीक, उसमें कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे, और कुछ क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे, करेक्ट आंसर्स दिए होंगे कुछ क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चंस के क्या होंगे, रॉन्ग आंसर दिए होंगे। तो हमने आर मान लिया किसके लिए, जो करेक्ट आंसर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये जो करेक्ट आंसर है ना, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्टली इस आर, एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड रॉन्ग इस डब्ल्यू। तो ये क्या है नंबर्स, उसने सही जवाब दिए, गलत जवाब दिए, दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो सही जवाब देगा या गलत जवाब देगा। अटेम्प्ट उसने सारे क्वेश्चंस किए, तो सही क्वेश्चंस प्लस गलत क्वेश्चन, जिसके उसने सही आंसर दिए और जो गलत आंसर दिए, उनका समेशन 75 ही तो होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, अटेम्प्ट तो सारे किए हैं, उसमें से कुछ के गलत दिए होंगे और जो बचे होंगे उसके उसने क्या दिए होंगे, सही दिए होंगे। तो सही प्लस गलत कितने, 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन जो मार्क्स आए ना वो 125 आए। अगर वो एक करेक्ट आंसर देता है तो उसे मिलता है 4 नंबर, अगर वो एक रॉन्ग आंसर देता है ना तो उससे डिडक्ट होगा 1 नंबर, या तो हम बोल दे 1 नंबर डिडक्ट होगा, या फिर उसे दिया जाएगा -1 नंबर। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि -1 नंबर डिडक्ट किया है, या फिर क्या नहीं बोल सकते, एक मार्क दिया है, -1 मार्क्स डिडक्ट करने का मतलब -1 अवार्ड किया उसे, ठीक है, दिया है -1, इसका मतलब यही तो है कि एक नंबर डिडक्ट किया है। ये माइनस मतलब क्या, डिडक्शन ही तो बता रहा है, एक नंबर डिडक्ट किया है या -1 नंबर अवार्ड किया उसे। ठीक, मान लेते हैं कि उसने जो आर क्वेश्चंस किए हैं वो करेक्ट किए हैं, तो उसके मार्क्स कितने बनेंगे, एक नंबर के, एक आंसर करेक्ट के 4 नंबर। तो उसने आर क्या, आर क्वेश्चंस क्या है, करेक्ट दिए हैं, तो आर इंटू 4 हो जाएगा। उसने एक रॉन्ग आंसर के -1 मिलते हैं, उसने क्या किए, W जो क्वेश्चंस थे ना वो रॉन्ग कर दिए, तो नंबर कितने हो जाएंगे, -1 × W, टोटल मार्क्स 125। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। अगर वो हमसे बोल दे जाता, क्या बोल दे जाता, कि द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड रॉन्गली, जो उसने गलत किए, तो 40 निकला, 40 निकला यहां से, 75 - 40 मतलब 30। क्लियर है बात यहां तक, बात क्लियर है, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं यहां पे, जैसे ये आर 40 लिखा है ना, आर 40 लिखा है, अगर राइट आंसर 40 हो गए, रॉन्ग आंसर कितने हो गए, 75 - 40 मतलब 35। ठीक, टोटल मार्क्स कितने थे, 125। ठीक, क्या ये 125 बना पाएंगे, क्या ये 125 बना पाएंगे, क्या देखो, 40 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, एक क्वेश्चन का 4 नंबर, तो 40 क्वेश्चन का 4 नंबर, तो 160 मार्क्स यहां से क्या मिले उसे, टोटल पॉजिटिव मार्क्स 160। ठीक, अगर उसने टोटल कितने अटेम्प्ट किए हैं, 75, तो उसके नेगेटिव कितने होंगे, 75 - 40 - 35, उसे कितना नंबर मिलता, -1 गलत के लिए, -35। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, कितना आ जाएगा, 160 - 35 - 125 नंबर, ये 125 नंबर, मतलब हमने क्या किया, करेक्ट किया है, 125 नंबर आना चाहिए। 35 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गलत किए हैं उसने, और 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि उसने सही किए हैं। हमसे सही के लिए पूछा गया था, तो हमने क्या किया, करेक्ट निकाल लिया, आर निकाल लिया, कितने क्वेश्चंस हैं, 40, मतलब 40 क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन
which is corrected by the boy. Clear?